वीर का विनम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्या ददाति विनियम विन्याति याति पात्रत्वं पात्रत्वं मापनोति ननात धर्मम ततः सुखम। ये अपने धर्म का निर्वाह करे, इसलिए आवश्यकता है कि आप जोरदार तालियां बजा करके भी नहीं पाओ। एक फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है कई जगह पर, शुक्रिया। और कहा यह गया है उसके अंदर, कहले साहब वो तो कल्पना में दिखाया है उन्होंने उसका प्यार दुलार, कि खिलजी सोच रहा है ऐसा उसके मन में, सचमुच में ऐसा कुछ नहीं है। खिलजी सोच रहा है कि पद्मावती उनके साथ डांस कर रही है। आदरणीय बंसाली जी, आपकी बेटी भी सड़कों पे जाती होंगी, कई गुंडे उनके बारे में बहुत ऐसा वैसा सोचते होंगे, उसे भी जरा एक बार फिल्म में दिखा दीजिएगा। हर चीज कल्पना में जो हो वो सत्यापित कर दी जाए, ये फिल्मों का विषय नहीं होती है, बेवकूफियों का विषय होती है। दूसरी बात यह कही गई है कि वो एक काल्पनिक पात्र था, इतिहास का पात्र नहीं है। बहुत से पात्र ऐसे हैं जो हमारे इतिहास में दर्ज नहीं है। हमें नहीं पता शंकर हुए कि नहीं हुए, प्रभु राम हुए कि नहीं हुए, ये हमारी आस्थाओं का विषय है, आस्थाओं का विषय है। हमने हमारे पिता के पिता ने बताया कि राम कभी हुए थे, शंकर कभी हुए थे, हनुमान कभी हुए थे। हमारे पुरखों के पुरखों ने बताया कि पद्मावती नाम की कोई महादेवी हुई थी, तो हमने मान लिया उसे। हमारी आस्थाओं में यदि कोई बस गई है तो फिर उसके साथ खिलवाड़ की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती है। इतिहास बदल के रख डाला संजय लीला भंसाली ने। अब आपका गुस्सा उठना चाहिए, मैं चार लाइन कह रहा हूं बस, केवल इतिहास बदल के रख डाला मैं मंच का विधान चाहता हूं, और जिन लोगों ने फरमाइश कर मुझे जहन में भी नहीं था कविता को मुझे कहीं पढ़ने, लेकिन चार अंश आपने कह दिए, मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। और कोटा ने यदि मोहब्बत देती है तो मैं दावा कर रहा हूं उसे लाल किले से भी पढ़ूंगा इस साल। इतिहास बदल के रख डाला संजय लीला भंसाली ने, जो सारे फूल नोच डाले खुद ही बगिया के माली ने। बस दो लाइन सुन लीजिएगा, यही लाइन कवि भंसाली को भेज दी जाएंगी। जो इतिहास बदल के रख डाला संजय लीला भंसाली ने, जो सारे फूल नोच डाले खुद ही बगिया के माली ने। गंदी नजरें जिसने डाली, अब आपका आक्रोश उबरना चाहिए। गंदी नजरें जिसने डाली, खिलजी ने या अब्दाली ने, उसका ही शीश काट डाला बढ़कर रणचंडी काली ने। उसका ही शीश काट डाला बढ़कर रणचंडी काली ने। उसका ही शीश काट डाला बढ़कर रणचंडी काली ने। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना यह है, शुक्रिया। देश की सीमाओं के विषय में बहुत सारी बातें हुई हैं। देश की सीमाओं के विषय में कुछ प्रश्न मेरे मित्रों ने उठाए हैं, उन बेटों का जिक्र किया है। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है। प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशह पावन नमन है। उन शहीदों को हमारे कोटिशह पावन नमन है। बताया गया है कि उन बेटों के गालों पर तमाचे मारे गए, और सरकारें ये कहती रही कि ये तो उनके धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, ये 70 सालों के कायरता के बीज हैं जो राजनीति ने बो दिए हैं कश्मीर में, और हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में खाने पड़ रहे हैं। दो लाइन सुन लीजिएगा, मैं इस ठंड में आपको गर्मी न ला दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं, मैं दो लाइन में आपके हाथ शॉल से बाहर निकलवा लूंगा। दो लाइन सुन लीजिएगा, जिस दिन गुस्सा आया होगा सैनिकों के गालों पर तमाचे लगे होंगे, हमारे बड़े कवि हरिओम पवार जी ने दो लाइन लिखी और मेरी कविता शुरू हो जाती है। किसका खून नहीं खोलेगा पर सुनकर अखबारों में जो कुछ ये हुआ है, यदि गुस्सा आया हो तो फिर आपके हाथ आकाश की तरफ उठें। किसका खून नहीं खोलेगा पर सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं, अपना हाथ खड़ा करना कि विनीत चौहान तुम झूठ बोल रहे हो, और सच लगे तो अपने उन बेटों को गर्मी देना जो -32 डिग्री सेंटीग्रेड में पर्वत की चोटियों पर आपके लिए संगीने लेकर खड़े हैं। कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी। अब जो लोग मेरे साथ चाहते हो, मुझे मेरे बारे में बताया गया कि मैंने 15-16 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं,
ये हिम्मत अभी मैं ही है कि मैं उनके खिलाफ भी पहली लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आपको लगे रास्ता ही बचा है आपके पास तो ये बात मोदी जी तक पहुंचे। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। यह कहा गया है कि तो धैर्य की परीक्षा है सेना के। नहीं सर, यह आने वाले तूफान की सूचना है। हमारे बेटे जो सेना में हैं, हमारे बेटे जो पुलिस में खड़े हैं, कभी आपने इनकी मजबूरियां समझी हैं? ये करना क्या चाहते हैं और इन्हें करने क्यों नहीं दिया जाता है? आने वाले परिणाम को समझ ले कोई भी सरकार हो, सेना को बहुत अधिक न रोके। इतना खून नहीं छिड़को, मैं एक डर गा रहा हूं, ये डर समझ में आ जाए तो इस डर को भी एक तरह तालियों से उठाना। इतना खून नहीं छिड़को, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे मैं बोल तो रहा हूं, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। सेना, शुक्रिया कोटा, आप लोग मेरी बात समझे, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपें और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपें। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, अजीब देश है ये। नए नए नारे गढ़ लिए इस देश ने, असहिष्णुता बढ़ रही है इस देश में, इंटॉलरेंस बढ़ रही है। साले इंग्लिश में शब्द भी ऐसे ढूंढ के लाए कि मुंह को लकवा मारने का डर लगता है। बड़े बड़े आदमी ये प्रवचन दे रहे हैं कि इस मुल्क में हमारी कौम को डर लगता है। दो बड़े फिल्म स्टार बंबई के 36वीं मंजिल पर बैठकर दारू की बोतलें हाथ में लेकर अपनी महबूबा की गोद में बालों में उंगलियां फिराते हुए कहते हैं, डार्लिंग डर लगता है इस देश में, दम घुटता है। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या उस सैनिक का 36 फुट बर्फ के नीचे दम नहीं घुटा होगा जो तुम्हारे लिए तिरंगा लेकर के लड़ता रहा उस देश में? तुम्हारा दम घुटता है इस देश में। वो हनुमान थप्पा दुनिया के लिए उदाहरण बन गया सर। वो हनुमान थप्पा 6 दिन तक जिंदा रहा, -36 डिग्री सेंटीग्रेड में भूख प्यास को लिए वो बेटा जिंदा रहा। दुनिया का विज्ञान रिसर्च कर रहा है वो हनुमान थप्पा जिंदा कैसे था। और विनीत चौहान रिसर्च कर रहा है एक दिन के लिए। मैं दो दो वीडियो कैमरेज के सामने अपनी रिकॉर्डिंग दर्ज कर रहा हूं। मैंने फिर कहा मुझे गलत हो तो कल टोकिएगा, ये सब चीज यूट्यूब पर आ जाएगी, कल से कुछ चैनलों पर आ जाएगी ये सब चीजें। एक दिन के लिए उसे मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया दिल्ली के अंदर। 12 घंटे में सर उसने दम तोड़ दिया। अंबिका दत्त जी, 12 घंटे में वो बेटा दम तोड़ देता है। मैं आज तक हैरत में हूं, जो आदमी 6 दिन तक न मरा हो वो 12 घंटे में मर कैसे सकता है? मेरा इशारा समझना, आप ज्यादातर ग्रामीण अंचलों से बैठे हुए लोग हैं, यहां छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, गांवों में रहने वाले लोग हैं, तो भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मेरे गुस्से को समझना, यदि दिल्ली जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर होते तो तक भारत मुर्दाबाद के नारे सीख चुके होते आप लोग। ये हिंदुस्तान के इस शहर में है कि आप भारत जिंदाबाद के नारे सीख रहे हैं? हम छोटे लोग हैं, हमें भारत की मिट्टी से प्यार है। वो बड़े लोग हैं, उन्हें बाहर की मिट्टी से प्यार है। हिंदुस्तान में वो बेटा क्यों मरा होगा मेरा कारण समझना। जिस दिन वो बेटा सांसें ले रहा था अंतिम, उसी समय कश्मीर में कुछ निकम में तिरंगा झंडा जला रहे थे। उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ निकम में नारा लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यह आवाज इस देश की मिट्टी की जहर से उठी और दिल्ली के नाक के नीचे से उठी। कोटा वालों, यदि आवाज लग सके तो मेरे साथ जुटिएगा। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम में यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे उस दिन? उस दिन भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाएंगे इस देश के अंदर, अब्दुल हमीद पैदा हो जाएंगे इस देश के अंदर। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। मेरे पास इससे अच्छी लाइन इन शहीदों के लिए कहने के लिए नहीं है। वो बेटे क्यों दम तोड़ गए होंगे सरहदों पर,
उन्हें तो 12-12 डॉक्टरों की टीम सर्च कर रही थी, उन्हें दवाएं दी जा रही थी, क्यों आखिर मरा होगा वो बेटा? मैंने कारण खोजा है सर, वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा। और दो लाइन मुझे अच्छी लगती है, मैंने गुस्से में लिखी है, आप क्या गुस्से से प्रतिक्रिया उठाइएगा? क्यों मरा होगा वो हनुमान थप्पा? वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। अजीब देश है सर ये, हमारे जगदीश भाई साहब से मेरी वार्ता हो रही थी, कहले विनीत इस देश का फैशन अजीब है, हमारे बेटों के सर कट जाए तो हम कहते हैं हमारे बेटे बड़े बहादुरी से लड़े, हमारे बेटों को गोलियां लग जाए, वर्दियां खून में सन जाए, हम कहते हैं हमारे सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े। पहली बार हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने, पढ़े लिखे लोगों, यदि रात के 2 बजे तक आप यहां बैठे हैं, 9 बजे से बैठे हैं आप, 5 घंटे हो गए आपको कविता सुनते हुए, कोई बड़ा स्टार हमारे पास नहीं, कोई फिल्मी चेहरा हमारे पास नहीं है, यदि आप 5 घंटे से हिंदी कविता के लिए आप बैठे हैं तो समझ लीजिएगा कि कविता के पास कुछ तो बचा है आपके पास देने के लिए। आप इस मोहब्बत को मैं प्रणाम करता हूं। वो बेटा क्यों मरा, क्या स्थितियां पैदा हो गई इस देश के अंदर, हमारे सैनिकों के साथ अजीब व्यवहार होने लगे, गोलियों से छलनी हो गए हमारे चेहरे, तो हम कहते बहादुरी से लड़े, और पहली बार मेरी बात को तालियों से रिसीव करना, पहली बार हिंदुस्तान के रणबांकुरे पड़ोसी मुल्क की सीमा में 38 किलोमीटर तक घुस गए और 40 भेड़ियों के सिर काट के ले आए, भारत मां के चरणों में चढ़ा दिए, तो कुछ सिरफिरे कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है क्या, इस बात के प्रमाण दो, जीवित तो लौट आए तो हमारी विजय नहीं मानी जाती, हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं। आदरणीय फर्जीवाल जी और दिग्विजय सिंह जी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र आज तक नहीं पूछे आपसे। मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, उसने कहा विनीत दुख होता है जब हमसे पूछा जाता है कि प्रमाण दो, हम तो 6-6 दिन तक भूखे लड़ते हैं, 7-7 दिन तक भूखे लड़ते हैं। मैंने कहा जगविंदर झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे परिवार के लोग भी सेना में, 7-7 दिन का भोजन और 7 दिन का गोला बारूद तुम्हें जब जाते हो लड़ने के लिए एक साथ दे दिया जाता है, पता नहीं ऊपर मिले कि ना मिले, फिर तुम भूखे कैसे लड़ते हो, ये झूठ बोल रहे हो आप। जगविंदर ने जो बात कही मेरे रोंगटे खड़े उस उत्तर को बोलते समय, उसने कहा विनीत तुम ठीक कहते हो, हमें 7 दिन का भोजन मिलता है, 7 दिन का गोला बारूद भी मिलता है, लेकिन हम भोजन केवल 3 दिन का लेकर जाते हैं, और इसलिए लेकर कम जाते हैं कि भोजन भले ही कम पड़ जाए लेकिन गोलियां कम ना पड़ जाए सरहदों पर इस देश के लिए। उससे कहा गया कि तुम प्रमाण दो, तो उसने रोते हुए एक शेर लिखा। मेरे युवा दोस्त यहां बैठे हैं, हमें किस राजनीति से मुखातिब होना पड़ रहा है जरा ध्यान से सुनना। उसे रोते हुए एक शेर लिखा जब उसे प्रमाण मांगे गए, मेरे पैर के छालो लहू गलो, मैं बहुत बारीक आंसू घोल के पिला रहा हूं, समझ लो सैनिक के, आप समझ जाएं तो उसे गंगा जल का आचमन समझ कर आप तालियों से उठा लीजिएगा। उसने लिखा मेरे पैर के, बस एक ही लाइन है उसके बाद मैं कविता शुरू कर दूंगा, मेरे पैर के छालो लहू गलो, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। जब पड़ोसी मुल्क ऐसी ऐसी हरकतें देखता है तो उसकी हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाती है। पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे हमसे कहते हैं हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए, जानता है इनके खुद के अंदर ही एकता नहीं है। कई बार हम कहते हैं हम लोग अंदर से असंगठित होते हैं तो कायर मुल्क भी शेरों की तरह दहाड़ना शुरू करता है, हम संगठित होते हैं तो शेर भी दुम दगाकर भागना शुरू होता है, हमारा असंगठन उसके लिए जिम्मेदार होता है। छोटा सा बच्चा है बिलावल भुट्टो, वो कह रहा है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने कहा बिलावल तेरी मम्मी ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला के पैर दबा रही है ऊपर बैठी हुई, तेरे नाना जुल्फिकार, जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरी बात को रिसीव करना, तेरे नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर मांगा था, वो खुदा की अर्दली में बैठा हुआ है। बच्चे तैने कश्मीर मांगा है, मैं तेरी लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं। आप तालियों में कंजूसी कर रहे हैं, लगता है ना दान पड़ोसी दोहरा, मुझे शुरू कर दीजिए तो मैं मूड में आ गया तो 5-6 मिनट आपको सुना दूंगा, फिर सीधे सुनाएंगे कि लगता है ना दान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। यदि प्रेस के लोग बैठे तो आपकी तालियां उन्हें सूचना देना कि कल अखबार की हेडलाइन होनी चाहिए, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में। शुक्रिया कोटा,
ये दोस्त तुम बड़ा प्यारा रहे, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे? इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे? तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 100,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। अपने पिताओं से पूछना, दादाओं से पूछना, ये रिकॉर्ड बताएंगे वो बेटा आप सब लोगों को, बेटा हमारी सेना के बलबूते ये रिकॉर्ड गिनीज बुक के अंदर दर्ज है। पड़ोसी मुल्क के पास 93,000 सैनिक थे और शस्त्र सहित थे, और हमारे एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाट रहे थे। ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में। तब 100,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। दो लाइन बिलावल भुट्टो को कह रहा हूं, वीरस वालों पर यह आरोप है कि हम तो तीर तलवार गोली बंदूक चलाते हैं। मैं कोई तीर तलवार नहीं चला रहा, उस बिलावल को उसकी प्रेमिका की याद दिला रहा हूं बस। इतने में उसकी नींद में खलल न पड़ जाए तो कोटा का पानी बेकार। मैं दावा कर रहा हूं आप तालियों से उसकी नींद में खलल डालना। कश्मीर, बिलावल से कह रहा हूं, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी माँ दुर्गा है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। हमारे बड़े लोग बैठे, अभी 2 महीना पहले मैं लद्दाख गया था कविता पढ़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से। -34 डिग्री में वहां के सैनिक कविता सुन रहे थे, सामने बंदूक पकड़े हुए बैठे थे। मैंने जैसे ही ये कविता की लाइन पढ़ी है, उन्होंने बंदूक को इतनी ताकत से पकड़ा कि उसकी बर्फ पिघल करके पानी में तब्दील हो गई थी। मैं दुआ करूंगा वो बेटे अभी भी -40 में खड़े होंगे। मैं इन लाइनों को जब दोबारा पढ़ूं तो आपकी तालियों की गर्मी उनके पास तक पहुंचे। मैं दावा कर रहा हूं ये कश्मीर समस्या, ये आतंकवाद, कितनी सरकारें बदल लेना, कभी सॉल्व नहीं होंगी। जिस दिन सॉल्यूशन निकलेगा वो सेना के बंदूक की नोक के बलबूते पर निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। मैं पूरी हिम्मत से पढ़ रहा हूं, आप दाद देंगे, छोटी सी कविता कह दूंगा वरना मेरा काम खत्म है। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मुझे एक एक श्रोता की हाथ खड़े करके ताली चाहिए इस बार। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं बहुत शुक्रिया, मैं जब भी ऐसी बातें करता हूं, ये सत्तन गुरु उस्ताद है हमारे, उस्ताद है, हम सब चेले इनके। कहे विनीत तेरी कविताएं क्या कमाल है, इनको दूर दूर क्यों नहीं सुनाता? अरे मैं कहा क्या बात कर रहे हो, कल मैं नागपुर था, आज यहां हूं, परसों फिर चेन्नई जा रहा हूं, कितनी दूर दूर तक जाऊं? इन्होंने जो धीरे से बात सरकाई है, आपको समझ में आ जाएगा मैंने गुरु मानते क्यों हैं। कहेंगे ऐसा है विनी, दूर सुना। मैं कहा कितनी दूर? कहेंगे इन कविताओं को तो पाकिस्तान जाके सुना क्या? मतलब अजीब, मैं डर गया। मगा दादा एक बात बताओ, आप मुझे निपटाना चाहते हो पाकिस्तान को निपटाना चाहते हो? कहेंगे बेटा मैं निपटाना तो तेरे को ही चाहता था, पर जगदीश के बाद थोड़ी बहुत उम्मीद तेरे से ही बची है वीर रस में, इसलिए मैं इस बीज को नष्ट नहीं होने देना चाहता। मैंने फिर धीरे से काम का दादा ऐसा मत करो, पाकिस्तान जाने के अंदर पासपोर्ट चाहिए, वीजा लगता है, किराया बहुत लगता है। अगला पंडित आदमी गुरु, धीरे से एक बात और सरकारी समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। मैंने किराया बहुत लगता है। किराए की चिंता मत कर विनीत चौहान, एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा। समझ में आ गई कि दोबारा बताऊं? मगा गुरुजी आने का? कहला बेटा तेरा वो ना लगे इन लखनऊ से, तेरी घटोत्कच की तरह मूर्ति लगेगी लाहौर के अंदर। लेकिन सर जगदीश भाई साहब यहां बैठे हैं, वो प्रमाण है, सनद है, आज की रात वो कवि यहां बैठा हुआ। 5 कवि हिंदुस्तान के छाटे गए सर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक कवि सम्मेलन हुआ, एक बड़े न्यूज चैनल ने कवि सम्मेलन आयोजित किया, 5 कवि थे हिंदुस्तान के। आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय जगदीश सोलंकी जी की अध्यक्षता में उसमें एक कवि मैं भी था जिसने करगिल की चोटियों से वहां पर कविताएं सुनाई, बागा बॉर्डर पर अपनी कविताएं सुनाई। उधर उनकी सेना खड़ी थी, इधर हमारी सेना खड़ी थी, केवल एक गेट बीच में था, आप सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा है जहां वो परेड करते हैं, और शाम को फ्लैग रिट्रीटिंग परेड होती है। जगदीश भाई साहब अच्छी तरह जानते हैं, अनेक सैनिक जो बेटियां वहां थी उनकी आंखों में आंसू थे,
कुछ की मुठ्ठियां कसी हुई थी, इस तरह तिरंगे लिए हुए वो थे। पिछली 15 अगस्त पर मिलन हुआ। वो छोटी सी कविता मैं आपको कह देता हूं, उसके बाद दद्दू आपको सुनाएंगे कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। ये कविता मेरी YouTube पर पड़ी हुई है, आप में से जो भी से देखना चाहे, कवि विनीत चौहान बाघा बॉर्डर टाइप करना और आज ये YouTube पर डाल देंगे, कल दोनों को आप तुलना करना। मैं एक भी लाइन इधर से उधर पढ़ूं तो मेरा नाम लेके थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जब पाकिस्तान की सेना सामने देखी तो तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो गई। मैंने जो यहां पढ़ रहा हूं एक एक अक्षर वही मैंने पाकिस्तान की सेना के सामने पढ़ा है। बहुत पहले कभी शिवम अंबर जी से मैंने एक लाइन सुनी थी, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मैंने जो महसूस किया उसे यहां भी पढ़ रहा हूं, उसे वहां भी पढ़ा। 3 मिनट की कविता सुन लीजिएगा फिर मैं झंडी हरी करता हूं कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। मेरा पहला सवाल पाकिस्तान से नहीं है सर, मेरे देश के रहनुमाओं से कि तुम्हारे रहते टेररिस्ट यहां तक पहुंचे कैसे, कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे खामोश रहे कांटों की पौज लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ये लाइन आप वीडियो सीडी के अंदर देखना। जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी है, कर्नल ने 2 सैनिक मेरे पीछे गन लेके लगाए। कहने लगे यार शांति के लिए कवि बुलाए थे, क्रांति के लक्षण शुरू हो चुके हैं, और उस क्रांति के लिए हमारे ओम बिरला जी आ चुके हैं। मैं समझता हूं भाई सब चले आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मगर आप आओ तो क्रांति शुरू करूं। हमारे लोकप्रिय सांसद ओम बिरला जी हमारे बीच आ गए, एक बार आप तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिएगा। भाई साहब सीधे मंच पर आ जाइए, प्लीज वो आ जाए तो मैं अपनी कविता पूरी कर दूं, उसके बाद भाई साहब का स्वागत होगा और फिर आदरणीय सत्यन जी काव्य पाठ से समापन करेंगे। आइएगा एक बार जरा तालियां बजा दी। हमारे लोकप्रिय सांसद अपने व्यस्त समय अलग अलग जगह से होते हुए हमारे पास तक पहुंचे हैं, और इस समय रात्रि के समय भी वो आए हैं, ये बड़ी बात है, वरना तो वो सो भी सकते थे घर जा करके, लेकिन कवियों से मोहब्बत वो करते रहे, कोटा दशहरा में हमें लगातार सुनते रहे हैं, वो यहाँ आ गए हैं और सत्यन जी के पास विराज हैं। भाई सब यहीं पर ही जी, चलो एक माला महेश जी ले ही आए तो ओम जी बिरला को एक माला पहना दे। आप सबकी तालियां इस माला में सम्मिलित हो जाए, जनता की मोहब्बत जिसे मिल जाती है उसे ऐसी मालाएं तो मिलती ही रहती है, लेकिन एक माला में सबकी मोहब्बत है। आप लोग विराजे सर विराजे, शुक्रिया भाई साहब बैठ गए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे काव्यपाठ के बीच में वो आ गए हैं, तो एक छोटी कविता मैं कहकर सर वाणी को विराम देता हूं। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं उनकी सेना की फायरिंग रेंज में खड़ा हूं। लाहौर के बाघा बॉर्डर पर खड़ा होकर मैंने कविता कही है, और ये बताया गया था कि उनमें आतंकवादी भी हैं कुछ, यहां सामने आप देख रहे हैं। गर हम ही इनकी लाशों को, मैंने कहा डरे हुए लोग ताली ना बजाएं, जो तबीयत से मर्द बैठे हैं उनकी तालियों की मैं अपेक्षा जरूर करूंगा। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर, शुक्रिया आपने कवि संघ को दोबारा माहौल दे दिया। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमी आते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर, हमारे पुलिस के जवान खड़े। मैंने फिर कहा आपको, हम इनके बारे में कई बार हंसी की कविताएं कहते हैं, लेकिन आपको मैं बोलते हुए, मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी, मैं क्या आंकड़ा बोल रहा हूं। हमारे पुलिस का एक जवान गन लेकर के जाता है टेररिस्टों की तरफ, तो मानव अधिकार के कार्यकर्ता जींस के ऊपर कुर्ते डाल के मोमबत्ती लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफाजी है नाश्ता करने पाकिस्तान से बुलाए हुए। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता सर किस दिन राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे। हिंदुस्तान के 14 आईपीएस ऑफिसर इस समय जेल के सीखचों में पड़े हैं। मैं कह रहा हूं आपकी नींद भाग जाएगी मैं जो बोलने जा रहा हूं। 14 यदि ढंग से ना सुनाओ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं कांस्टेबल नहीं बोल रहा सर, मैं 14 आईपीएस ऑफिसर बोल रहा हूं, जेल के सीखचों में पड़े हुए। मैंने पूछा क्यों, कहना इन्होंने टेररिस्टों को गोली मारी थी इसलिए इन्हें हमने जेलों में डाल दिया। मैंने हलवा खिलाते आपकी तालियां उठे, फिर ढंग से उठे, जिनके कंधों के स्टार बढ़ने थे
उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें हमने बिरयानी और मुर्गे परोसे इस मुल्क के अंदर, तो आतंकवाद बढ़ेगा सर? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। क्यों हो रहे हमले? साथ दीजिए उन बेटों का जो किसानों के बेटे बंदूक थाम कर खड़े हैं, उन्हें हौसला दीजिएगा। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे? उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे? हमने आतंकी पाले, पिछले 60-65 साल का रिकॉर्ड क्या इस देश में? यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि देश का गृहमंत्री बोलता है एक भी गोली यदि उधर से चल जाए पड़ोसी मुल्क से, तो इधर से चलने वाली गोलियों की संख्या गिनी न जाए। यह पहली बार हुआ। हम लोग तो ओम जी वो लोग हैं 65 साल से अचकन पर, मेरा इशारा समझना, मुझे नाम नहीं लेना और बोलना है, 55 साल से अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ते रहे लाहौर की तरफ। मेरा दोस्त इंद्रपाल सिख कौम का एक प्रतिनिधि यहां बैठा है, शायद आपकी तालियां दुगनी हो। काश एक बार ही सही ये देश सफेद कबूतरों की जगह गुरु गोविंद सिंह के बाज लाहौर छोड़ देता तो देश की तकदीर का फैसला बदला होता। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। अजीब देश है साहब ये, 350 लोग साइन करते हैं। मैं पूरे गुस्से में गणतंत्र दिवस पर बोल रहा हूं, मुझे मालूम है मैं किस मंच पर खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं, और दो दो रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं। 350 लोग रात्रि के समय साइन करते हैं, वो छोटे मोटे लोग हमारी तरह नहीं थे सर, वो बड़े पद्म विभूषण प्राप्त लोग थे, बड़े साहित्यकार, बड़े कवि, बड़े मीडिया के समाचारों के संपादक। 350 लोग साइन करते हैं, रात्रि के 2:30 बजे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलता है। मैंने सोचा रात को 2:30 बजे क्या किसी साधु संत पर कोई हमला हो गया क्या, तो पता लगा रोते हुए गिड़गिड़ाते 350 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं फिर कह रहा हूं या तो ताली बजाना मत या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों तक आपकी ताली पहुंचे। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या वो कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके आग दे रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती किसके समर्थन में खड़े हो जाते हो? शहीदों के बच्चे बच्चे नजर नहीं आते, आतंकवादियों के बच्चे बच्चे नजर आते इस देश में। तो विनीत चौहान कहना चाहता है, हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो, नहीं सहमत तो आप खामोश रहिएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया, मैं भारत सरकार की तरफ से 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था। इस समय भी एक बड़ा दायित्व मेरे पास भारत सरकार ने सौंप रखा है। मैं विद्युत मंत्रालय का हिंदी सलाहकार के नाते इस समय भी मैं कार्य कर रहा हूं। 14 दिन के लिए मुझे भेजा गया यूके में। मैंने लंदन में, बेलफास्ट में, स्कॉटलैंड में, नॉटिंगम में एक ही बात बोली है, पूरी दुनिया में भी इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं इस कानून को अकेला गाऊंगा। लेकिन चंबल के बेटे जो मेरे सामने बैठे, चंबल का पानी बागी माना जाता है, मैं कोई वीरस का कवि नहीं हूं सर, मैं एक भी बागी इस भीड़ के अंदर तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। मैं अंतिम 2 लाइन पढ़ के विदा हो रहा हूं। अच्छा लगे, कल मुझे फिर दिल्ली से उड़ना है एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए, आपकी तालियां विमान में पीछा करेंगे मैं उम्मीद करूंगा। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं कि उठो नया कानून मांग लो, एक एक श्रोता की मुझे घनघोर तालियों से विदा कीजिएगा। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके, वीर शहीदों की माएं या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून।